पास्ता खाना है? आ जाओ खिला देंगे जला हुआ पास्ता। तो ये देखिए पास्ता बनके रेडी हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए। ये देखिए हमने फर्स्ट पनिया पास्ते उबाल लिए हैं, इसमें मैंने तेल और नमक डाल के उबाला है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बनी रहे। ऑलरेडी मसाले पीस लिए, मसाले को अंदर मैंने यूज़ किया है धनिया, कांदा, लहसुन, मिर्चा और टमाटर, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। और नाउ मैंने यहाँ पे कांदे भी कट कर लिए हैं। हम लोग का तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, देन इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे जीरा, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आए। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। ये हमारा जीरा छिड़क चुका है, मतलब थोड़ा सा लाल हो चुका है। देन ऐड करेंगे हम इसमें कड़ी पत्ता, नाउ ऐड करेंगे ऑनियन, और इसके लाल होते ही अगर आपके पास गाजर हो और अलग अलग वैरायटीज के वेजिटेबल, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी एक्स्ट्रा। अब इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा, आपके पास कुछ ना हो तो भी आप बना सकते हैं घर पर और इन्जॉय कर सकते हैं। इससे पहले लाल होने देंगे, लाल होने के बाद हम जो ग्रीन मसाला पीसे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और ध्यान रहे मसालों को एकदम अच्छे से आप भून ले, वरना मसाले का जो कच्चापन है वो आपके पास्ते में आएगा। यहाँ पे और मसाले ऐड करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ फ्लेम को पहले एकदम अच्छे स्लो कर लेंगे ताकि मसाला जले ना, और वन बाय वन करके सब मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैगी मसाला, सोया चिली, ये है मेयोनीज, ये है टमाटर सॉस, सोया चिल्ली यूज कर लिया हमने ऑलरेडी। नाउ इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी और नमक। पहले आप देख लें आपका पास्ता कितना है और मसाला कैसा है, बिकॉज मसाले में भी नमक होता है ऑलरेडी, उसी हिसाब से नमक ऐड करें। शक्कर होता है और ये ऑप्शनल है, बहुत ही ऑप्शनल है, चाहो तो आप कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी हम लोग यहाँ पे सब मसाले डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देन इसे 4-5 मिनट तक पकने देंगे जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। ये सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी होती है हमें पहचानने की कि हाँ हमारा मसाला पक चुका है। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या मैंने इसमें यूज़ किया है, क्या नहीं यूज़ किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए मसाला अपना कलर ले चुका है, हम इसे मीडियम या स्लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि ये अपना वापस से जो भी है ले ले और अच्छे से पक जाए। नाउ हम चेक करेंगे, ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं। देखिए तेल और मसाले अलग हो चुके हैं, लिंक ये हो चुका है और इसमें पास्ता ऐड करेंगे। इसे आप हल्के हाथों से ऊपर नीचे करें वरना पास्ता पूरा इसमें मैश हो जाते हैं। हम इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे और देन 5 मिनट इसे पकने देंगे। पहले मसाले को ऊपर नीचे करके मिला लें, नॉर्मल सा और हल्का सा पानी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। इसे 5 मिनट तक पकने देंगे जिससे कि पानी पक जाएगा और इसमें घुल मिल जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। बस फ्लेम को आप चाहे तो फास्ट, मीडियम, स्लो रख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी इसका फ्लेवर, कलर, सब टेक्सचर कैसा आया है, नीचे से पकड़ लिया है, आई थिंक सो बन गया। हाँ इसमें धनिया ऐड करेंगे,
पास्ता खाना है, आ जाओ खिला देंगे जला हुआ पास्ता। तो ये देखिए पास्ता बनके रेडी हो चुका है, हल्का सा वो मेल्ट हो गया है, मतलब कि जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा नहीं आया है, बिकॉज मैंने इसको ज़्यादा उबाल दिया, तो आप लोग ज़्यादा ना उबाले स्टार्टिंग में ही। और देखिए टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट टेक्स्चर खराब हुआ है। आपको क्या अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको बना खिलाएंगे और इन्जॉय करेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।